बुलंदशहर में जहरीली शराब से हुई 5 लोगों की मौत के बाद देवरिया जिला प्रशासन मुस्तैद हो गया है। जगह जगह कच्ची शराब के अड्डों पर छापेमारी की जा रही है। मुख्यमंत्री के आदेशों के अनुसार जिले में कच्ची शराब के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। इसी क्रम में जिले की आबकारी टीम ने ईंट भट्टों पर छापामारी कर भारी मात्रा में अवैध कच्ची शराब बरामद की है। देवरिया के आबकारी निरीक्षक अमरेंद्र सिंह ने बताया कि जिले के 4 गांव के अंतर्गत ईंट भट्टों पर हमारी टीम ने छापेमारी कर कच्ची शराब और कई शराब भट्टियों को बंद कराया है। वहीं लगातार चल रही छापेमारी में 75 लीटर अवैध शराब के साथ ही 38 किलो लहन को नष्ट किया गया है। साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जनपद बुलंदशहर में हुई जहरीली शराब दुर्घटना के क्रम में जनपद देवरिया में आज 4 ग्राम सभाओं के अंतर्गत दबिश की कार्रवाई की गई, जिसमें बरियारपुर, भरसरा और प्राणपुर और महुआनी 4 ग्राम सभाओं के अंतर्गत ईंट भट्टों पर दबिश की कार्रवाई की गई, जिसमें लगभग 35 लीटर अवैध कच्ची शराब एवं 1800 केजी लहन महुआ बरामद किया गया। साथ ही 2 अभियोग संबंधित थाने में पंजीकृत कराया गया। साथ ही कल दिनांक 8/1/2021 को 3 ग्राम सभा के ईंट भट्टों पर दबिश की कार्रवाई की गई, जिसमें पकड़ी वीरभद्र, देसाई देवरिया और हरियापार देसाई देवरिया थाना रामपुर कारखाना के अंतर्गत आता है, जिसमें 40 लीटर अवैध कच्ची शराब और 1500 केजी महुआ लहन बरामद किया गया था। कल भी 2 अभियोग पंजीकृत करते हुए विधिक कार्रवाई की गई। इस तरह कुल मिला के 2 दिन में लगभग 75 लीटर अवैध कच्ची शराब और 3300 केजी लहन बरामद किया गया और 4 अभियोग पंजीकृत किया गया अपराध निरोधक क्षेत्र देवरिया के अंतर्गत। प्रशासन के सख्त रवैये के कारण कच्ची शराब का कारोबार करने वाले भी घबरा रहे हैं। बहरहाल सीएम योगी द्वारा दिए गए आदेशों के बाद आबकारी विभाग नींद से तो जाग गया है, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि आबकारी विभाग द्वारा लगातार की जा रही कार्रवाई से कच्ची शराब के कारोबार में कितनी गिरावट आती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए देवरिया से कुलदीप पाठक की रिपोर्ट।